माउंटेन बाइकिंग का आगाज शिमला की खूबसूरत वादियों से हुआ। इस प्रतियोगिता में शामिल होने वालों को जंगलों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर निकलना था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि माउंटेन बाइकिंग के बहाने उन्हें सुकून के कुछ पल बिताने का मौका तो मिला। खूबसूरत जंगल, ठंडी कपकपाने वाली हवा और कच्ची सड़कें, ये वो रास्ता था जिससे गुजरकर हर बाइकर को निकलना था। दौड़ में करीब 70 साइक्लिस्ट्स ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वालों की दीवानगी केवल माउंटेन बाइकिंग के लिए ही नहीं थी, बल्कि हिमाचल के उन रास्तों के लिए भी थी जो इस राज्य के छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत गाँव और कस्बों से होकर निकलते हैं। For me, it's not so much about winning, but actually just to see the country, just to see the Himalayas, and just to be out with nature. You know, it's the weather is lovely and the scenery is great. So, you know, I don't really care. I've always loved the Himalayas. So, you know, and I've done a lot of trekking in Nepal before, and I even went to Sikkim like 2 years ago. So this is the first time I'm biking the Himalayas. So I think it'll be great. Yeah. कहीं बहते झरने, कलकल करती नदी, इन सब का हौसला बढ़ा रही थी और हर पल आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही थी। Oh, it's very beautiful. Himalayas and, yeah. रास्तों की खूबसूरती तो इनमें हिस्सा लेने वालों को भाई ही, लेकिन उबड़ खाबड़ रास्तों ने इनके राह में मुश्किलें भी पैदा की। रोड पे तो चोटें भी लगी, गिरी भी काफी बार गिरी में, तो रिस्की था रोड, बस ठीक था, आगे जाके ठीक था, वहाँ तक बहुत रिस्की था, हाई ग्राउंड जाइक पे मुझे इंजरी हो गई है। Had a fall. अब जैसे एकदम डाउनहिल दे दिया तो उसमें काफी लोग इंजर हुए हैं, तो इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए पहले अपील होता है या फिर प्लेन होता वो ज्यादा अच्छा रहता। ये अलग बात है कि मुश्किलें खूबसूरती पर भारी नहीं पड़ी, सफर चलता रहा। राह आसान नहीं थी पर हौसले पूरी तरह से बुलंद थे, तभी तो ये पथरीले रास्ते भी इन प्रतियोगियों को रोक नहीं पाए। कहीं रास्ते टेढ़े मेढ़े थे तो कहीं धूल से भरे, कहीं कहीं तो पहाड़ियों पर ऐसी ढलान थी कि इसमें हिस्सा लेने वाले बाइकर्स अपने आप को संभाल नहीं पाए। For me it was quite tough because I wasn't very prepared. But for people who ride a lot it's okay, not so tough. And for folks who don't ride, don't cycle so much, it's very tough. पर इस सब के बावजूद सब ने अपना सफर जारी रखा, क्योंकि सब पर जुनून सवार था मंजिल को पाने का। पल्लवी नागपाल, जी न्यूज़, शिमला।